जय हिंद। फिर भी नहीं है वो जो उत्साह है, जो जोश होना चाहिए वो नहीं है अभी भी आपके गांव में। जय हिंद। अभी मैं आप लोग से ज्यादा बात नहीं करते हुए एक या दो आपके सवाल और आपके जवाब होंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि आज शहीद के स्मारक पे आप लोग सब उपस्थित हुए हो, इस 3 साल के अंदर आपके ग्राम पंचायत के सरपंच जी जो भी रहे हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा या निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में भारतीय सेना में आपके गांव से कितने लोग भर्ती हुए, कितने जवान भर्ती हुए। इस माइक का इस्तेमाल नहीं करके ऐसे आप सब से बात करना चाहूंगा। पिछले 3 सालों से आपके गांव से कितने जवान भर्ती हुए सेना में? अभी आप देख सकते हो इतने लोग, इतने भीड़ इकट्ठी करके कि आप कितना उत्साह हो सकते हैं। एक जो उत्साह है जो आपने प्रोग्राम बनाया है कि वो सुबह चार्ज करो शाम को खत्म हो जाता है, वही हालात एक इंसान हो गया है। जैसे हमने मूवी देखी, कोई प्रोग्राम देखा, चार्ज हो जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यहाँ इस चार दीवारी के बाहर निकलने के बाद सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं आज पहली बार इस प्रोग्राम में आमंत्रित हुआ हूँ जगदीश प्रसाद जी के थ्रू। अगले प्रोग्राम में 31 दिसंबर को मैं वादा करता हूँ फिर आऊँगा, पर आप लोगों से एक वादा लेना चाहूँगा कि आने वाले 31 दिसंबर 365 दिन में आपके गाँव से कितने लोग विकसित होते हैं, भारतीय सेना में कितने लोग कदम रखते हैं। ये खास तौर से युवा पीढ़ी से मेरा सवाल है, बूढ़े बुजुर्गों से सवाल है, को अपने माँ बाप को क्या शिक्षा देते हैं। जैसे पूर्व प्रधान जी अपने बोल रहे थे ये भाषण प्रदर्शन बहुत उचित है, पर इस पे अमल करना हम कितना अमल कर सकते हैं। कोई भी आज किसान को छोड़ के कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को ये बोले कि तू भारतीय सेना में भर्ती हो जा। बिल्कुल आपके कानों को सुनाई नहीं दे रहा या मैं बोल नहीं रहा हूँ, कुछ तो जवाब दो सभी लोग। मेरी आवाज नहीं सुन रही है लग रहा आप लोगों को। युवा पीढ़ी जो भी है एक उत्साह है कि आने वाले 365 दिन के अंदर हम वादा करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती होके दिखाएंगे, नहीं तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का इतिहास रह जाएगा कि गोरीसर गांव से 31 दिसंबर 2017 को एक जवान शहीद हुआ था, क्या उसके बाद में गोरीसर गांव में किसी मां ने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया? उत्साह नहीं है आप लोगों का बिल्कुल भी इस शहीद स्मारक पे ऊपर आके। मेरा यही सवाल आपसे अटल रहेगा, फिर अगला 31 दिसंबर को आप लोग से फिर मिलूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम लगाता हूँ। जय हिंद जय भारत। फिर भी भारत माता का उच्चारण नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि भारतीय सेना के जवान की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, पर ये नहीं सोचते कि फर्स्ट ग्लेशियर के अंदर टेम्परेचर कितना है, -27 डिग्री। मैं कल रात में चूरू में सो रहा था, मेरे पैर ठंडे हो रहे थे रजाई के अंदर। जब -27 डिग्री के अंदर एक जवान रहता है तो उसकी क्या हालत होती है अनुमान लगा सकते हो आप लोग। फिर बोलते हैं कि भारतीय सेना के जवान की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, पर वो 24 घंटा का नौकर होता है ये लोगों को पता नहीं रहता है। -62 डिग्री अनुमान लगाता हूं मैं चूरू के लोगों को पता भी नहीं होगा कि -62 डिग्री 62 डिग्री का टेम्परेचर भी राजस्थान के अंदर होता है। वैसे भारतीय इतिहास में मानते हैं कि चूरू का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, जबकि टूरू का टेम्परेचर नहीं, जैसलमेर के रेगिस्तान में जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके आप पता करोगे तो उस टाइम कम से कम 62 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 62 डिग्री टेम्परेचर के अंदर एक इंसान जिंदा रहता है तो किस तादाद पे रहता है पता है। आजकल गवर्नमेंट ने पानी की इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, पर आप लोगों ने एहसास नहीं किया होगा कि एक भारतीय सेना के जवान की जब 72 घंटे की प्रशिक्षण चलता है तब उसको 72 घंटे में 24 लीटर पानी दिया जाता है।
उस 24 लीटर में उसको खाना भी है, पीना भी है, नाना भी है, सेविंग भी करनी है, दाढ़ी जिसको बोलते हैं वो भी बनाना है और लेटरिंग पेशाब भी करना है। क्या पॉसिबल है ऐसा? ऐसा हो सकता है? यहाँ से उपस्थित कोई भी ऐसा आदमी है जो बोले कि मैं 72 घंटे में 24 लीटर पानी से सक्षम हूँ? कोई भी हाथ खड़ा करे अपना। फिर भी कोई नहीं, नहीं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आने वाले अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा ना बोले कि भारतीय सैनिक की तनख्वाह बहुत है। उसकी परेशानी को समझो, उसकी हालात को समझो, फिर बताओ कि उसकी तनख्वाह कितनी है। एक थर्ड ग्रेड का अध्यापक 32,000 रुपए तनख्वाह लेता है और भारतीय सेना का 24 घंटे का सैनिक 27,000 रुपए लेता है। 24 घंटे ड्यूटी करके देखो, जब सुबह 6 बजे एक जवान उठता है, जूते पहनता है, रात को 2 बजे खुलता है तो पता चलता है पैर अंदर से सड़ जाते हैं। और जो भारतीय सेना में जवान को जो जूते इश्यू होते हैं ना, वो इतनी अगर सर्दी के अंदर पहन लिया तो मर जाता है। और 2 घंटे की ड्यूटी के दौरान 4 घंटे सोने को मिलता है, 4 घंटे उसके पैर जो है गर्म नहीं होते। और जिस इंसान के पैर गर्म नहीं होते उसकी आंखों में नींद नहीं आ सकती और बोलते हैं शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। क्या समझते हो आप शहीद से? एक शहीद की माँ से जाके पूछो कि तेरा पुत्र कहाँ गया, एक पिता से जाके पूछो तेरा पुत्र कहाँ गया, एक पत्नी से पूछो तेरा पति कहाँ गया, एक बेटे से पूछो कि आपका पिता कहाँ गया, तब पता चलेगा कि शहीद की सारस है, शहीद की संज्ञा है वो क्या होती है। कुछ देर पहले किसी ने बताया था कि माँ बाप के पास जब फोन आता है तो उठा नहीं पाते, उस टाइम होता है उनकी हालात ऐसी होती है। पर कुछ समय निकलता है तो उस पिता को बड़ा गर्व होता है कि मेरा पुत्र माँ भारती के चरणों में गया। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपने वाणी को लगाम लगे आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको प्रोग्राम ना समझे, यहाँ से कुछ शिक्षा ले, यहाँ से कुछ प्रण ले, उसके बाद आप अपनी जिंदगी को अगले कुछ क्षणों के लिए उसके बारे में सोच के अपनी जिंदगी को आगे चलाएं। जय हिंद, जय भारत।